एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। वेल, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल होममेड ऑयल जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। गाइस, यू नो हम मार्केट से बहुत सारे ऑयल लेते हैं ये सोच के कि हाँ ये ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होगी, बट नहीं, जितनी इफेक्टिव होममेड ऑयल होती है उससे आप मार्केट की ऑयल कंपेयर नहीं कर सकते। सो मैं आपको सिखाऊंगी कि एक ऐसी टेक्निक जिससे आप लॉन्ग ब्लैक सिल्की हेयर पा सकते हो, जो दो मेरे बाल इतने लंबे नहीं है बट इट इज़ ब्लैक एंड है, थोड़े बहुत अच्छे हैं बिकॉज मैं भी फिलहाल यूज़ कर रही हूँ वो ऑयल। सो आई विल लेट यू नो कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। आई एम यूजिंग ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स एंड मैं यूज़ कर रही हूँ 7 to 8 टाइप्स ऑफ ऑयल जो मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैंने वो सारे हेयर ऑयल में इंक्लूड कर दिए। अब बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि अरे मेरे पास तो इतने सारे ऑयल नहीं है, हमारे पास तो उसमें से एक आधा ऑयल होगी या दो होंगे। सो कोई आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ बेसिक कोकोनट ऑयल भी होगा या उसमें से मैं आपको बताऊंगी कौन से ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, उसमें से कोई भी एक ऑयल होगा तो भी बस है गाइस, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो मैं 4 इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ जो आपको ऑयल में डालना है, वो आपको ज़रूर डालना है, वो आपको ज़रूर यूज़ करना है। ऑयल कोई भी हो, इट डज नॉट मैटर, बट जो 4 इंग्रेडिएंट्स है वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सो मैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं वो होममेड ऑयल। यहाँ पे हम ले रहे हैं कोकोनट ऑयल, यहाँ पे मैंने पहले से ही पतीला रखा है एंड लो फ्लेम पे रखा था। कोकोनट ऑयल तो आपको पता है गाइस, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ, इट ऑल्सो मॉइस्चराइजेस द ड्राई हेयर, इट एड्स लस्टर, शाइन एंड सॉफ्टनेस टू द हेयर, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स हेयर ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेयर लेंथ, इट ऑल्सो स्लोस डाउन द हेयर लॉस। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको लेनी है वो है 1 कप कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारी बेस ऑयल है, सो वो आपको ज़्यादा लेनी है। यू तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल, बिकॉज इट कैन प्रिवेंट प्री मैच्योर ग्रेइंग विच विल हेल्प रिटेन द नेचुरल कलर ऑफ योर हेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आर्गन ऑयल जिसमें होती है लॉट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि आपकी बालों की शाइन और ग्रोथ हमेशा बनाए रखेगी। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड इट्स बेस्ट टू प्रमोट स्कैल्प हेल्थ। ऑयल में होती है नेचुरल एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज एंड ये विटामिन ई, मिनरल, फैटी एसिड्स में बहुत रिच होती है, सो आपकी हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है एंड आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ाएगी। Is very good for dandruff. करेंगे कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स। याद रखिए आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे अनियंस, आधी कटी हुई अनियन आपको ऐड करनी है इसमें एंड देन हम ऐड करेंगे कलौंजी, लास्ट में पाउडर मेथी दाना। तेल जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद आपको एक ग्लास जार में उसे भर देना है। सो यहाँ पे हम सारी जो इंग्रेडिएंट्स है उसे ड्रेन कर रहे हैं। ग्लास जार से क्या होता है ना, ऑयल की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आप पूछोगे कि ये ऑयल कब तक हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा सा ही ऑयल बना के रखना ताकि वो ख़त्म हो जाए विद इन 1 मंथ। वैसे तो कोई शेल्फ लाइफ नहीं है इसकी। हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ एलोवेरा जेल इन टू द ऑयल। ये ऑयल रेडी है, इसे आपको हफ्ते में 3 बार लगानी है। मैं आपको कहूँगी कि आप इसे ओवरनाइट लगाइए ताकि आपकी स्कैल्प इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके एंड आपके बाल एकदम हेल्दी एंड शाइनी रहे। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको पता है ना क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, लव यू ऑल।